हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट टू, यानी कि अनुपात तथा समानुपात का पार्ट टू। इससे पहले पार्ट वन अपलोड हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये वीडियो डेली शाम के 7 बजे अपलोड हो जाती है, तो उसको ज़रूर देख लिया करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 3/4 से 4 ज़्यादा है तो संख्या बताएं। देखिए, हम मान लेते हैं जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या का, तो किसी संख्या को हम मान लेते हैं x। मान लीजिए वह संख्या x है, तो x का 4/5 उस संख्या के 3/4, यानी कि फिर x का 3/4 मैं निकालूं तो वो 4 ज़्यादा होगा, यानी कि 4/ देखिए इस संख्या का अगर मैं 4/5 निकालता हूँ तो वो 4 ज़्यादा होता है अगर उसी संख्या का मैं 3/4 निकालता हूँ। यानी कि कुछ कंडीशन ऐसी होगी कि 4x/5, ठीक है, 4x/5 किसके इक्वल होगा 3x/4 के। कंडीशन समझे, देखिए मैंने x का 4/5 निकाला तो कितना हो गया 4x/5, और जब मैं x का 3/4 निकालता हूँ तो 3x/4 हो जाता है। तो जब ये 4/5 निकालता हूँ मैं x का, तो ये इससे 4 ज़्यादा होता है, तो इसके इक्वल करने के लिए इसमें 4 प्लस कर लेंगे। क्लियर है, बस इतना ही ये इक्वेशन थी। अब इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 4x/5 -3x, क्योंकि ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, अपॉन में 4, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे एलसीएम 20 ले लिया मैंने। अब इसको सोल्व कर रहा हूँ तो 20 आ गया, तो 5 चौक 20, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, तो 16x माइनस 4 5 20, 5 की अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 में, तो 5 3 15, तो 15x बराबर किसके है 4 के। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 16x में से 15x जाएगा तो कितना बचेगा x, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, 4 की 20 में हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ पे x बराबर 80 आ गया। यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो संख्या बताएं, तो संख्या क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे संख्या क्या है, अगर आपसे पूछा है किसी संख्या का, तो संख्या वह 80 हो जाएगी क्योंकि मैंने संख्या को x माना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। किसी का कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम रहती है तो वो पूछ लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उसका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो दोनों संख्या क्या है ये आपको बताना है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, दो संख्याओं का अगर अनुपात 5:9 है तो मेरे पास दो संख्याओं का अनुपात पता है, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी 5x और 9x। क्लियर है, क्योंकि ये अनुपात है और एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो आपकी कुछ इस प्रकार हो जाती है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर, अगर मैं इसमें भी 9 प्लस कर देता हूँ और इसमें भी 9 प्लस कर देता हूँ, दोनों संख्या में 9 प्लस कर देने पर, तो अनुपात 16:27 हो जाता है, यानी कि अनुपात आपका कितना है 16/27। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए दोनों संख्याओं में अगर मैं 9 जोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ पे बोला जाए प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर अनुपात ये हो जाता है, तो प्रत्येक संख्या में मैंने 9 जोड़ दिया तो अनुपात 16:27 यानी कि इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप के साथ में क्वेश्चन को सोल्व कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ में। तो 27 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 135x प्लस 27 की 9 में करेंगे तो 243 इक्वल 16 की 9 में करेंगे तो 144x प्लस, और 16 की 9 में करेंगे तो 144। एक्स वालों को एक साइड में रखेंगे तो 135 को माइनस करेंगे 144 में से तो कितना आएगा 9x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 243 में से 144 जाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 99। देन x की वैल्यू क्या होगी, 9 से जाएगा कितनी बार 11 टाइम, तो x की वैल्यू आपकी दोस्तों कितनी मिल गई 11 मिल गई। तो दोनों संख्या क्या है, तो दोनों संख्याओं का तो रेशो ये था, तो बस इनमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो यहाँ पे जब हम 11 की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 5 में तो कितना हो जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या तो हो जाएगी 55 और दूसरी संख्या हो जाएगी 99। ठीक है, आपसे दोनों संख्या
क्या है, तो ये आपसे पूछा गया था। तो दोनों संख्या तो आपकी यहाँ पे 55 और 99 हो जाएगी। तो यहाँ पे दो दो करके ऑप्शन नहीं दिया गया है, शायद ये ऑप्शन वाले ने थोड़ा सा लास्ट वाला ही बस पूछ लगा दिया। तो यहाँ पे 55 और 99 रहेगा, ठीक है, जो भी ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 7:3 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमने देखा है वो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है, वही ट्रेडिशनल मेथड आपको यूज करना है। आपके पास दो रेशो हैं, 7 और 3, ये रेशो हैं, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लगा के क्वेश्चन किया जाए, कि प्रत्येक पद में दो संख्या आपके पास है या फिर दो संख्याओं का रेशो है और पूछा जा रहा है कि उसमें क्या जोड़ा जाए, तो आप क्या जोड़ेंगे, एक्स जोड़ देंगे, प्लस एक्स कर देंगे। और अगर आपसे बोला जाए कि क्या घटाया जाए, तो एक्स ही माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको संख्या दे दी गई थी कि अगर यदि मतलब जो रेशो था उसमें 99 प्लस कर दिया जाए तो रेशो आपका चेंज हो जाता है। अब की बार पूछा गया कि क्या क्या जोड़ा जाए, तो अब की बार आपको यहाँ पे ये कर लेना है। तो रेशो क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है, 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 21 3 + 3x, यहाँ पे 3 है तो 3 × 2 = 6 + 2x। एक्स वाले को मैं एक साइड में ले लूँगा, 3x में से 2x जाएगा तो x आ जाएगा, और यहाँ पे 21 में से, ठीक है दोस्तों, आपका 6 यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या था कि 7/13 ये रेशो था, प्लस दोनों में एक्स एक्स कर दिया था, रेशो आपका 2:3 हो गया था। मैंने मल्टीप्लाई की तो 21 + 3x = 26 + 2x, मैंने माइनस किया तो यहाँ पे ये 21 था, आई थिंक ये समथिंग रॉन्ग हो गया था। तो 3x में से 2x जाएगा तो वो तो x बच जाएगा, 26 में से 21 जाएगा तो 5, तो x की वैल्यू 5 आपकी आ जाएगी। तो प्रत्येक पद में या फिर प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पे जो x लिखा है यहाँ पे अगर दोनों में 5 + 5 कर दिया जाए तो आपका रेशो ये बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से दोबारा से पूछ लीजिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहे हैं, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 की अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, 1 रुपये है, ठीक है, एक थैले में अगर 1 रुपये है तो उसको किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा 1 रुपया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1x लिख लेंगे। दूसरा 50 पैसे है, तो 50 पैसे को और इनका रेशो, ठीक है, ध्यान रखिएगा रेशो भी यहाँ पे दिया गया है 4 है। तो यहाँ पे आपका 50 पैसे है तो 50 पैसे के हिसाब से उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो रेशो जो यहाँ पे लिखा है आपका 4x इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तीसरा आपका 4x ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे रेशो 4 है, तो और ये आपका किससे डिवाइड होगा, क्योंकि अब की बार 25 पैसे है, तो 25 पैसे आप देखिए कि 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे आपके 1 रुपये में, ठीक है, तो 4 बन जाएंगे, तो इसको 4 से भाग कर देंगे। और यहाँ पे इन सभी को मिला के कुल 200 रुपये है, ठीक है, तो ये 200 इसके सामने रख लेंगे। 4 × 4 2 × 2 = 4 और 1 × 1 तो कितना हो गया दोस्तों, 2x, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो 1x और 1x 2x और 2x और 2x 4x बराबर 200, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। और x बराबर क्या जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 50। अगर x की वैल्यू 50 आई है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, रेशो क्या है 25 पैसों का, 25 पैसों का रेशो है आपका 4x, ठीक है, तो 4x है ना, तो यहाँ पे x की जगह आप रख दीजिए 50, यानी कि 4 × 50, तो राइट आंसर इज 200। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर किसी का कोई डाउट बचता है तो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है ए बी सी में
3500 इस प्रकार वितरित किए गए कि ए और बी का रेशो 5:4 है, बी और सी का रेशो 3:2 है। बी कितने रुपए प्राप्त हुए, बी को कितने रुपए प्राप्त हुए आपको बताना है। देखिए अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो यही क्वेश्चन मैंने मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन सबसे पहला मैंने कराया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जिसको नहीं पता उसको पता भी चल जाएगा। देखिए ए और बी, बी और सी इस प्रकार सबसे पहले आप लिख लीजिए। तो ए और बी का रेशो कितना है 5:4, तो 5:4। बी और सी का रेशो कितना है 3:2। पहले वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और सी इस प्रकार ये रेशो आता है। पहले दोनों की 5 × 3 = 15, ठीक है, 4 × 3 = 12, ठीक है, और 4 × 2 = 8, ये हो गया। तो यहाँ पे इनका रेशो क्या बन गया 15, 12 और 8, ठीक है दोस्तों, 15, 12 और 8। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो टोटल कितने हैं 3500 है दोस्तों, ठीक है। तो 3500 को आप डिवाइड करेंगे इन सभी के रेशो के सम से, तो 3500 डिवाइड बाई, तो यहाँ पे डिवाइड किसको करेंगे आप देख लीजिए, 15 और ये 8 कितना 20 और 35, ये हो जाएगा। तो अगर आपका टोटल रेशो कितना है 35 है और टोटल सम आपके पास 3500 रुपये है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक रेशो की वैल्यू दोस्तों 100 आ गई। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बी को वेतन कितना मिलेगा, तो बी का रेशो कितना है दोस्तों, बी का रेशो 12 है, तो 100 की मल्टीप्लाई 12 में कर दीजिए, 1200 मिलेगा बी का रेशो, बी को अमाउंट कितनी मिलेगी 1200। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है, जब 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं तो अनुपात क्रम 6:7 हो जाता है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताएं। अब आपको पता है लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात यह है, क्लियर है आप सभी को पता है, इसमें से 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, तो यहाँ पर अगर रेशो ये दिया गया है तो इनकी जो टोटल संख्या होगी वो कितनी होगी, 4x और 5x, कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पे बोला जा रहा है ये 5x किसका है, लड़कियों का है, और 4x किसका है, लड़कों का है। ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। बोला जा रहा है कि 100 लड़कियाँ स्कूल छोड़ दे तो अनुपात 6:7 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे गर्ल्स कितनी छोड़ रही हैं, 100, तो मैं माइनस कर लेता हूँ, और इसको माइनस करने के बाद में जो रेशो आपका बन के आएगा वो कितना है दोस्तों, 6:7, यानी कि 6/7। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई क्या, ये बताइए। अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई, देखिए मैंने सिर्फ 100 नीचे गर्ल्स में से ही क्यों माइनस किया, क्योंकि आपका लड़कों की संख्या 4x है, वो कोई चेंज नहीं हो रही है, लड़कियों की संख्या चेंज हुई है, तो सिर्फ लड़कियों की संख्या को ही हम घटाएंगे। अब यहाँ पे आप कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ इस प्रकार 7 × 4 में करेंगे तो 7 × 4 = 28x, ठीक है, और ये हो गया आपका। तो यहाँ पे करेंगे 7×5 = 35, ये आपका हो जाएगा कितना 30, 6×5 = 30, 30x और माइनस 600, 6 × 100 में कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 28x माइनस होगा 30x में से, तो कितना बचेगा, 2x = 600, और x बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x = 300। अगर x की वैल्यू 300 मिल गई है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताएं। देखिए x की वैल्यू दोस्तों 300 मिली है और बॉयज़ कितने हैं, 4x है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 300 की मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, तो बॉयज़ जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 300 × 4, तो कितना होगा दोस्तों, ये भी 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है आप सभी को ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:3 है। देखिए दूध और पानी का 40 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, और उसमें दूध और पानी जो है कुछ इस अनुपात में है, दूध और पानी यानी कि ज़्यादा दूध है और कम पानी है, 7:1 के अनुपात में। दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी की मात्रा मिलानी होगी आपको बताना है। अच्छा सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि मिल्क और वाटर है कितना एक्चुअल में, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, टोटल कितना है 40 लीटर है, 40 में 7 और 1 = 8, 8 से भाग कर दीजिए तो 1 रेशो की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो ये कितना हो गया दोस्तों आपका 8×5 = 40, ठीक है। अब 1 रेशो की वैल्यू 5 मिल गई, आपसे पूछा जा रहा है दूध, तो दूध आपका 7 रेशो में है, 1 रेशो की वैल्यू कितनी है,
5 है, ठीक है, तो 7 × 5 = 35, तो दूध आ गया आपका 35। दूसरा फिर पानी, पानी आपका 1 बचता है, तो 7 × 5 ये आपका कट जाता है 5 बार, 1 में करेंगे तो 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका ये आ जाता है दूध और पानी। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए, 3:1 करने के लिए कितना पानी की मात्रा मिलानी होगी। तो मात्रा कितनी मिलेगी दोस्तों, आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार करेंगे, 35 ठीक है अपॉन में 5, 35 अपॉन में 5, और अब इस 5 में मैं x प्लस करूँगा। x क्यों प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिश्रण में कितना पानी की मात्रा मिलाई जाए। तो यहाँ पे 35 लीटर क्या है, मिल्क है, और पानी कितना है 5 लीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ केवल इस नीचे वाले में ही ऐड होगा x, और रेशो कितना हो जाए 3:1, तो 3:1। तो अब आपका बाकी का क्वेश्चन वही होता है, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करके लिख सकता हूँ इसे, 35 अपॉन में 5 प्लस x अपॉन में, यानी कि 3 अपॉन में 1। तो देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, 35 ठीक है अपॉन में 5 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 35 ही रहेगा, 5 × 3 = 15 और प्लस 3x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, x में को मैंने यहाँ पे रख लिया, 35 में से 45 जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका दोस्तों, ये 20 बच जाएगा। तो ये सॉरी ये 3x है भाई, ये 3x बराबर आपका कितना है, 20 बच गया। अब आपको क्या निकालना है, 3x का ये है, तो 3x बराबर 20 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही आपसे पूछा गया है कि कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/3, तो निकाल लीजिए 6 × 2/3, तो इतना आपको मिश्रण में पानी और ऐड करना पड़ेगा अगर रेशो 3:1 करना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं 3:4:5 के अनुपात में है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए इनमें 3 संख्या हैं, 3, 4 और 5, रेशो में है, तो संख्या कितनी होगी, 3x 4x 5x के अनुपात में, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी कितनी है 5x प्लस सबसे छोटी 3x, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तो तीसरी संख्या कितनी बची आपकी 4x और प्लस 52 के बराबर है, ठीक है। अब बस इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे 3x और 4x एक साइड में लेकर आ जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, देखिए एक साइड में लिखा है 5x और 3x, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 8x, ठीक है, इधर कितना है 4x प्लस 52, तो 4x को भी अगर इधर लेकर आ जाए तो कितना बचेगा x 4x बराबर 52, और x बराबर कितना आ जाएगा 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 13 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 13 आएगी, सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो सबसे छोटी संख्या तो कितनी है दोस्तों 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 39 आपका आ जाएगा, ठीक है भाई। आपसे अगर सबसे बड़ी पूछी जाती तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर मिडिल की पूछी जाती तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 39 इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि गत्ते के एक डिब्बे में 12 शीशे हैं, गत्ते के एक डिब्बे में 12 शीशे हैं, इस डिब्बे को पटक देने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कौन सा नहीं हो सकता है, फिर इसका मैं एक लॉजिक बताऊंगा आपको जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो जितने भी शीशे दिए होंगे, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, शीशे कितने हैं 12, ठीक है, इसको अगर डिब्बे को पटक दें तो इसमें टूटे हुए ना टूटे हुए शीशों का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए इसकी एक ट्रिक ये होती है दोस्तों, आप जो भी ऑप्शन में दिए होंगे ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन के दोनों रेशो को प्लस करिए और इससे भाग कर दीजिए, अगर वो कंप्लीट भाग हो जाता है इसका मतलब वो उसका आंसर हो सकता है, और अगर वो कोई सा भी ऐसी संख्या जो इससे कंप्लीट भाग नहीं कर सकती इस वाली संख्या को, तो वही नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो शीशों टूटे हुए और टूटे हुए शीशों का अनुपात नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा, 3 + 1 = 4 हो जाएगा, 3 + 2 = 5, तो 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, और ये भी आपका हो जाएगा 7 और 5 = 12, तो
ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो क्लियर है भाई सभी को, आशा करता हूँ मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए एक क्वेश्चन है आपका ये, 2:7 तथा 3:11 में कौन सा अनुपात बड़ा है, 2:7 और 3:11 में कौन सा अनुपात बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक होती है, 2/7 लिखिए ठीक है, और फिर दूसरी साइड में 3/11 लिखिए। तो 2/7 तथा 3/11 में कौन सा अनुपात बड़ा है ये आपने लिख लिया, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई जो भी आएगी वो यहाँ पे रखेंगे। तो 11 की 2 में करेंगे तो 22 ठीक है, और 7 की 3 में करेंगे 21। अगर ये वाली साइड बड़ी आ गई तो ये रेशो बढ़ा, अगर ये वाली साइड बड़ी तो ये वाला रेशो बढ़ा। तो इसमें कौन सी साइड बड़ी है दोस्तों, इसमें साइड आपकी ये वाली बड़ी है, तो इसका मतलब ये रेशो बढ़ा है 2:7 ये वाला। तो कभी भी एक ये भी अंदाज़ा मत लगाइएगा कि दिखने में कौन बड़ा लग रहा है, तो दिखने में बड़ा कौन सा लग रहा है, ये दूसरे वाला रेशो लग रहा है, बट एक्चुअल में 2:7 इज़ द लार्जेस्ट रेशो ठीक है। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन और ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर किसी का भी कोई डाउट है इस पूरी क्लास में तो पूछ सकता है भाई, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।